पर आए तो क्या मामला है, क्या मनाने के लिए आए क्या आज आप? दीपक जी का आदेश था तो मैं आया हूँ उनके पास, मनाने की जरूरत ही नहीं है। दीपक जी लोगों को मनाते हैं, हाथ पीछे दीपक को मनाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो जनसंघ की शुरुआत दीपक से हुई और दीपक के बिना भारतीय जनता पार्टी कल्पना नहीं हो सकती, इसलिए दीपक को मनाने की जरूरत। पिछले दिनों दीपक जोशी जी का ही जो है बयान आया था कि विकल्प खुले हैं सारे, क्या मायने निकाले जाए मीडिया में जो आया था? आप मायने निकालो, हमारे लिए तो एक ही मायना है कि दीपक जी हैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और दीपक जी, इसके अलावा कुछ भी मान लिया जाए। ऑल इज वेल जी, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। इतनी देर बैठक चली आपकी और चर्चा भी चली तो क्या मान लिया जाए? मनोज चौधरी जी भी, क्या चर्चा हुई बंद कमरे में, क्या कुछ बात? देखिए चुनाव है, चुनाव के बारे में जितनी आगामी चुनाव के संदर्भ में जितनी भी रणनीतिक चर्चा होती है वो सब लोगों से बैठकर की। हाट पिपलिया चुनाव की जिम्मेदारी आपको दी गई है? नहीं, मेरे पास तो नहीं है। हाँ। पर कार्यकर्ता के हिसाब से मैं भी यहाँ पर आऊँगा। कैलाश जी कितनी सीटें आप जीत कर आएंगे इस उपचुनाव में? 24 की 24। क्या चुनौती मानते हैं अभी इस चुनाव को आप? बिल्कुल नहीं। हाट पिपलिया से कौन होगा उम्मीदवार? इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कमल का बटन कब दबाए, क्योंकि पिछली बार कमलनाथ जी की सरकार ने जिस तरीके से हर वर्ग के साथ धोखाधड़ी, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, बेरोजगार नौजवानों को भत्ते की बात की वो नहीं मिला, हमारे वो दूध उत्पादक जिनको कहा था कि हम दूध उत्पादन में प्रति किलो सब्सिडी देंगे वो नहीं मिली, वे महिलाएं जो कि छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं उनसे कहा था कि उनका कर्जे माफ़ कर देंगे, वो माफ नहीं हुआ, बहुत सारे हर वर्ग के साथ धोखा किया, छलावा किया, इसलिए सब लोग कांग्रेस को सबक देना चाहते हैं। हाट पिपलिया का उम्मीदवार तय हो गया है क्या? हाँ, मतलब करीब 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 करीब, करीब हमें ऐसा लगता है भैया उम्मीदवार करीब करीब तय है। कौन है? कौन है? कौन की दीपक जोशी? समय पर ये एक बयान आपने दिया था आर्टिकल 30 हटाने के लिए, आपने क्या मानते हैं उस आर्टिकल को हटाने के लिए? देखिए आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक लोगों को संरक्षण देने के लिए था, किंतु उसके आड़ में जिस तरीके से देश विरोधी गतिविधियां पिछले दिनों सामने आई हैं तो आर्टिकल 30 के ऊपर समीक्षा होना चाहिए। और ऐसा क्यों कि सिर्फ उसका लाभ कुछ लोगों को ही मिले? यदि आर्टिकल 30 के अंतर्गत अन्य शिक्षण संस्थान भी आए, चाहे वो बहुसंख्यक समाज के क्यों नहीं, तो उनको भी लाभ मिले। किसान बार बार चक्का जाम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, कांग्रेस सवाल उठा रही, चक्का जाम आज ही देवास में हुआ, किसान देवास की विधायिका यहाँ पे नजर नहीं आ रही है, वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता होते हैं समय समय पर आती हैं, लेकिन कल परसों उन्होंने कहा था कि मैं इंदौर से देवास आना मेरी किसी काम से, तो आप देवास रहोगे तो मुझे ऐसा और चाय पीने आ रही है तो बिल्कुल आऊँगा, लेकिन आदेश हुआ। आपको सीएम और प्रभात जो वीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष और सुहास भगत जी ने भी भोपाल बुलाया था, उसके बाद आज कैलाश विजयवर्गीय जी, तो क्या मनाने की कवायद चल रही है इस समय? मनाने की कोई कवायद नहीं है हमारी पार्टी की, कार्यकर्ता के रूप में काम करा, तो इस नाते से कोई मनाने की बात नहीं है। जो बातें कहीं हो जाती है गाये बगाए, उन बातों को शंका को दूर करना पड़ता है, और उसको मैं जाके अगर नेता बुलाता तो हम करते हैं। ये तो कौन लड़ेगा चुनाव को? मनाने की बात नहीं तो फिर आपका एक जो है अखबार में बयान भी इस तरह का आया था कि सारे विकल्प खुले, तो उसके मायने आप मीडिया को समझा दीजिए क्या है? नहीं, विकल्प खुलने का मतलब मैंने कहा था, किसी हमारे पत्रकार साथी ने पूछा था कि आपके सीट पे मनोज चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा था कि बीजेपी वो पार्टी है जिसमें चयन की प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत पहले भोपाल देवास से भोपाल से नाम जाते, भोपाल से केंद्रीय समिति उसको मोहर लगाती, तो उन्होंने कहा नहीं उनका नाम फाइनल हो गया, तो मैंने कहा उनका नाम फाइनल हो गया तो मेरे लिए विकल्प खुले, विकल्प खुलने से तात्पर्य ऐसा था कि मुझे पार्टी कहीं दूसरी जगह काम देगी, या तो संगठन में काम देगी, या अगर कहीं लगता है उनको उचित तो उस जगह मेरे को काम दिया जाए। तो आपको क्या लगता है कौन लड़ेगा चुनाव? और देखिए अभी जो रुझान जो हमें पार्टी की तरफ से पता चला है कि कहीं ना कहीं देखिए समझौता तो पार्टी का 22 लोगों के साथ हुआ, ये तो आपने देखा, मंत्रिमंडल में स्थान भी कहीं ना कहीं उन्होंने चिन्हित करे,
आज मंत्रिमंडल में भी दो साथी ऐसे जो विधानसभा में नहीं लेकिन मंत्रिमंडल में है। पार्टी ने जो बातें कहीं ना कहीं उसके आधार पर तय की, उस आधार के कारण से हो सकता है कि ये 22 लोग जो सिंधिया जी के साथ आए हैं, अगर पार्टी ने उनसे कहा है कि विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे तो हम उनका साथ देंगे। आप उनका साथ देंगे इनके कुल मिलाकर? भैया लगातार आपने मेहनत की, आपका ये क्षेत्र रहा, वहाँ से मंत्री रहे, विधायक रहे, अचानक जो एक समझौता होता है पार्टी में, ऐसा नहीं लगता कि आपके साथ ये गलत हो रहा है? नहीं देखिए, मैंने कहा ना, ये मैं राजनीति को हमेशा इंप्रूवमेंट से रोक रहा, मुझे लगता है कि मेरी जगह कोई अच्छा खिलाड़ी खेल खेलने के लिए आ रहा है तो उसे मौका मिले। जो बिल आपके विपक्ष में था आप उसके साथ के उसका साथ देंगे क्या? नहीं, ये राजनीति में स्थाई उसके जो आने वाला चुनाव पिछले चुनाव निकला, आज वो विचारधारा से आज विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, उन्होंने बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। केला से विपक्ष तो हो ही नहीं गए। क्या क्या आपका समाधान निकला आज की मीटिंग जी? केला जी साहब की मीटिंग थी क्या? नहीं देखिए, केला जी हमारे वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय नेता है, बंगाल के प्रभारी भी हैं, उनका मार्गदर्शन अगर हमको मिलता तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हाटपिया उपचुनाव है, उपचुनाव की रणनीति को बनाने के लिए कहने की कवायद शुरू हुई है, उस कवायद में कुछ क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं को मैंने बुलाया था, मनोज चौधरी जी भी आपने देखा कि यहाँ आए हैं, ऐसे दृष्टिकोण में कैसे कुछ प्रारंभिक शुरुआत हम लोग करेंगे। ठीक ठीक।